फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। खैरागढ़ राज परिवार के विवाद में अब स्थानीय ग्रामीणों की भी एंट्री हो गई है। दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह की मौत के बाद संपत्ति को लेकर जारी विवाद के बीच उनके उदयपुर निवास में आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया और देवव्रत सिंह की दूसरी पत्नी विवाह सिंह के खिलाफ नाराजगी दिखाई। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ ने पथराव और तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस बल ने मार्च निकाला और ग्रामीणों को घर से न निकलने की अपील की, जिसकी वजह से गाँव में रात भर कर्फ्यू जैसे हालात बन गए। उदयपुर में कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस का बल लगाया गया था, जिसमें जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है शासकीय संपत्ति पर जो है पत्थरबाजी की गई है और वहां पर जो अन्य गाड़ियां खड़ी थी पब्लिक की, उस पर भी जो है पत्थरबाजी हुई है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए छुई खदान में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे की विवेचना जारी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों देवव्रत सिंह और उनकी दूसरी पत्नी विभा सिंह के बीच बातचीत का कथित ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ग्रामीणों ने देवव्रत सिंह की मौत के लिए विभा सिंह की मानसिक प्रताड़ना को जिम्मेदार मान लिया। इतना ही नहीं, देवव्रत सिंह के पुत्र राजा आर्यव्रत सिंह और पुत्री राजकुमारी शताक्षी ने भी विभा सिंह के ऊपर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर अपनी जान का खतरा बताया था। इस वजह से ग्रामीणों की नाराजगी और बढ़ गई। आपको बता दें कि देवव्रत सिंह की मृत्यु के बाद लगभग 1.5 महीने से बंद उदयपुर महल का गेट खोले जाने को लेकर गुरुवार के दिन भर माहौल गर्म रहा। कई घंटों के इंतजार के बाद देर शाम महल का गेट खोला गया, लेकिन लगभग 1 घंटे बाद फिर से उसमें ताला जड़ दिया गया, जिसे देखकर महल के बाहर उपस्थित देवव्रत सिंह के समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने महल का गेट खोलने के लिए जमकर नारेबाजी की और ग्रामीणों की भीड़ ने महल के बाहर का गेट भी तोड़ दिया। फिलहाल अभी वहां शांति है, लेकिन पुलिस मुस्तैद है। राजनांदगांव से परमानंद रजक की रिपोर्ट, एमपी तक।